तो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल SPS गेमिंग जोन में। नो फेक न्यूज़, नो फेक अपडेट्स, ओनली 100% रियल कंटेंट। सो आपको पता ही है, थोड़े ही दिन पहले फ्री फायर ने जो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट डाली थी, जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि फ्री फायर मैक्स के अंदर जो है हमें OB34 का अपडेट जल्दी देखने को मिलेगा, मतलब कि 25 मई को देखने को मिलेगा, उन्होंने कह दिया। ठीक है, तो जिस दिन क्या होगी, हमारा जो गेम है पूरी तरह से मेंटेनेंस में जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये भी लिखा था कि जब गेम ओपन हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर आपको एक इवेंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर दोस्तों जो है आपको 3 गन स्किन दी जाएंगी। ठीक है, और तीनों गन स्किन में से आपको क्या करना है, 1 गन स्किन पर टिक लगा के आपको उनमें से 1 गन स्किन को क्लेम कर लेना। साथ ही में उसका आपको एक मैजिक को भी फ्री में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दिखते ये वाली पोस्ट है, आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो यही पोस्ट डाली थी। ठीक है, और दिखते गेम के अंदर जो ये वाला सेक्शन भी डाल दिया गया। यहाँ पे दिखते यहाँ पे 3 गन स्किन डाल दी गई। ठीक है, तो दिखते ये सारी की सारी गन स्किन डाल दी गई, और आपको क्या करना है, इन तीनों में से जो है 1 गन स्किन पर टिक लगा के आपको 1 गन स किन क्लेम करनी है। ठीक है, तो और साथ ही में मैजिक क्यूब भी दिखते हैं यहाँ पे। सिंपली मैजिक क्यूब आपको क्या करना है, 15 मिनट गेम प्ले करना। ठीक है, तो और ये जो मैजिक क्यूब का मिशन है आपको 25 तारीख को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 25 से 26 मई तक, और ये जो लॉगिन वाला इवेंट है ये दोस्तों आपको 23 मई को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 23 मई को देखने को मिला, मतलब कि OB34 का अपडेट आने से पहले देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पे मेरे काफी भाई है जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार हम इन तीनों में से कौन सी वो 1 गन स्किन ले जो कि हमारे लिए सबसे बेस्ट हो सकती है। तो गाइस आप टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला कि आपको इन तीनों में से कौन सी जो 1 गन स किन है वो आपको क्लेम करनी है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, और दोस्तों अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नया और पहली बार है तो प्लीज हमारे चैनल SPS गेमिंग जोन को सब्सक्राइब कर देना और बेल को नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। जब दोस्तों आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल वाली खुशी होती है, और मेरा भी मन करता है दोस्तों कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाता रहूं। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को जरूर से सपोर्ट कर देना। नहीं, सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको जल्दी से बताऊं कि आपको इन तीनों में से वो कौन सी 1 गन स्किन है जो कि आपको क्लेम करनी चाहिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिएगा, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, गन स्किन के एट्रीब्यूट देख लेते हैं और देखते हैं कौन सी गन स्किन सबसे अच्छी है। तो क्या सबसे पहली जो गन स्किन दिखती है यहाँ पे दिखते हैं M4A1 गन स्किन दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, और इसके एट्रीब्यूट दिखते हैं, इसकी सिंगल एक्यूरेसी को प्लस किया गया, इसकी आर्मर पेनिट्रेशन को डबल प्लस किया गया, साथ में दोस्तों मूवमेंट स्पीड को सिंगल माइनस किया गया। मतलब कि दोस्तों एक्यूरेसी अच्छी है तो इसका मतलब हेड अच्छे लगेंगे। ठीक है दोस्तों, और आर्मर पेनिट्रेशन डबल है, मतलब कि वेस्ट को भी ज्यादा डैमेज पड़ेगा। ठीक है, और मूवमेंट स्पीड सिंगल माइनस है, मतलब कि दोस्तों जब आप इस गन को पकड़ कर भागेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी मूवमेंट स्पीड। ठीक है, बट दोस्तों मैं आपको एक बात, फ्री फायर ने जब पहली बार पोस्ट डाली थी तो वहां पे जब मैंने उस पोस्ट को ब्राइटनेस करके दिखा था तो वहां पे जो है ग्रीन वाली गन शो हो रही है M4A1 की। ठीक है, तो ग्रीन वाली गन स्किन, बट दोस्तों यहां पे देखते हैं फ्री फायर ने इस सेक्शन में जो ब्लू वाली M4A1 डाल दी, मतलब कि सीधी सी बात है फ्री फायर ने जो गन है चेंज कर दिया। बट मैं आपको बता दूं कि वो जो ग्रीन वाली गन थी ना उसके एट्रीब्यूट ज्यादा अच्छे थे। ठीक है, तो उसकी जो है डबल रेंज प्लस थी, सिंगल रिलोड स्पीड माइनस थी। ठीक है, और आर्मर पेनिट्रेशन सिंगल प्लस थी, मतलब कि रेंज डबल थी तो रेंज पर अच्छा डैमेज दे रही थी, वो ज्यादा अच्छी थी। बट दोस्तों फ्री फायर ने जो है इस बार ब्लू वाली डाल दिया, मतलब कि उन्होंने चेंज कर दी। ठीक है, तो बाकी इसके भी एट्रीब्यूट ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छे तो नहीं है। ये भगवान क्या जुलुम है। उसके बाद तो UMP गन स्किन के एट्रीब्यूट दिखते हैं, इसका सिंगल डैमेज प्लस किया गया, रेंज को डबल प्लस किया गया, मतलब कि दोस्तों डबल रेंज पर भी अच्छा डैमेज देगी। ठीक है, और साथ में मैगजीन को माइनस किया गया सिंगल, तो मैगजीन की कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है गेम के अंदर से भी मैगजीन वगैरह ऐड कर सकते हैं तो आपकी जो है ये सही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी गन स्किन है वो M60 की दिख सकते, इसकी जो है सिंगल रेंज प्लस किया गया, मतलब रेंज पर अच्छा डैमेज देगी। ठीक है, और मैगजीन सिंगल माइनस है। ठीक है, और इसकी भी आर्मर पेनिट्रेशन डबल प्लस किया गया, मतलब कि ये भी जो है वेस्ट को ज्यादा डैमेज देगी। ठीक है, तो मतलब दोस्तों हम बात कर ली कि अगर ये लुक वाइज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको लुक वाइज गन लेनी है ना, कि अगर आप सोच रहे कि मेरे को एट्रीब्यूट से कोई मतलब नहीं है, मेरे को दिखने वाली गन अच्छी चाहिए। ठीक है, तो गाइस लुक वाइज बात करें तो UMP की गन सबसे टॉप वाली गन मुझे अच्छी लगी। ठीक है, तो इसकी लुक देखते काफी OP लगी। ठीक है, तो अगर आप लुक वाइज लेना चाहते हैं तो गाइस सबसे पहले मैं आपको कहूंगा आप UMP क्लेम कर लें। ठीक है, तो और लुक वाइज में दोस्तों यहां पे M60 भी काफी OP लग रही है। ठीक है, बट सबसे ज्यादा अच्छी जो है वो UMP है। ठीक है, तो अगर आप लुक वाइज लेना चाहते हैं तो UMP पे आप मतलब टिक लगाकर क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों M60 भी दिखने में अच्छे। ठीक है, और ये M41 गन स्किन दिखने में मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो अब बात कर ले दोस्तों अगर आप एट्रीब्यूट के हिसाब से लेना चाहते हैं। ठीक है, तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपकी जो M41 गन की स्किन तभी क्लेम करनी है जब दोस्तों आपके पास M41 गन की कोई भी अच्छी स्किन ना हो। ठीक है, तो कोई भी अच्छी या लेजेंडरी स्किन ना हो। अगर दोस्तों मान लीजिए अगर आपके पास ये वाली गन स्किन है, मैं आपको वेपन सेक्शन के अंदर जाके दिखा देता हूं, अगर दोस्तों आपके पास M41 गन स्किन की ये वाली गन स्किन है, ठीक है, तो येलो वाली, तो गाइस आप उसे बिल्कुल भी मत क्लेम करना, क्योंकि दोस्तों इसके एट्रीब्यूट काफी OP है, सिंगल डैमेज है, डबल रेट ऑफ फायर है, मतलब कि दिखने में काफी अच्छी गन है। ठीक है, और ये गन स्किन भी हमें फ्री में मिली। अगर बाय चांस दोस्तों आपके पास ये वाली गन भी है, ठीक है, तो भी आप उस गन स्किन को मत क्लेम कर लेना। ठीक है, तो ये भी एट्रीब्यूट इस गन स्किन के भी काफी OP है। ठीक है, तो M41 गन की स्किन तभी आपको क्लेम करनी जब दोस्तों आपके पास एक भी गन स्किन ना हो M41 गन की, कोई लेजेंडरी या फिर सिंपल वाली। ठीक है, तभी आपको क्लेम करनी है। उसके बाद दोस्तों M60 की बात करें, ठीक है, तो M60 भी दोस्तों आपको तभी क्लेम करनी है अगर दोस्तों आपके पास ये वाली गन स्किन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे वेपन सेक्शन में दोबारा जाकर आपको दिखा देता हूँ,
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मशीन गन है ठीक है, तो M60। अगर दोस्तों आपके पास ये आग वाली गन स्किन है जो ये फायर वाली ठीक है, तो अगर आपके पास ये वाली गन स्किन है तो उस M60 को मत क्लेम करना ठीक है, तो क्योंकि ये गन स्किन ज्यादा अच्छी है ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका डबल रेट ऑफ फायर प्लस किया गया और सिंगल रेंज प्लस किया गया और रिलोड स्पीड को सिंगल माइनस किया गया, मतलब कि दोस्तों ये जो गन स्किन का एट्रीब्यूट है उस गन स्किन से ज्यादा अच्छा जो कि हमें फ्री में मिल रही है ठीक है। वैसे तो दोस्तों ये वाली गन स्किन भी हमें फ्री में ही मिली थी, बट दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपके पास ये वाली गन स्किन भी है ठीक है, तो M60 की जो कि काफी ओपी जो कि वेब पोर्टल में आई थी ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आर्मर सेक्शन में जाकर ठीक है। तो ये वाली गन स्किन भी अगर आपके पास पड़ी है तो भी दोस्तों M60 गन स्किन को मत क्लेम करना ठीक है, क्योंकि इसका दिखते डबल डैमेज प्लस की गई और सिंगल रेंज प्लस की गई और सिंगल रिलोड स्पीड माइनस की गई, मतलब कि ये गन स्किन भी दिखने में काफी ओपी है। तो गाइस आपके पास ये वाली दोनों M60 गन है तो गाइस आप इस वाली M60 को मत क्लेम करना ठीक है, तो आपको लेने का कोई फायदा नहीं ठीक है। और उसके बाद UMP की बात कर ले, UMP ये भी गन स्किन कुछ ज्यादा खास तो नहीं है क्योंकि दोस्तों इसमें सिंगल डैमेज प्लस किया और इसकी रेंज को डबल प्लस किया गया, मतलब कि दोस्तों मैं आपको बता दूं इससे पहले भी जो गन स्किन एक फ्री में दी थी फ्री फायर ने ठीक है, तो एक नहीं दो दो गन स्किन फ्री में दी थी, वो ज्यादा ओपी लगी मुझे ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जब आप UMP की गन स्किन देखेंगे ये वाली गन स्किन दिखते काफी ओपी, इसका सिंगल डैमेज प्लस है बट इसका रेट ऑफ फायर डबल प्लस किया गया, मतलब कि इसका रेट ऑफ फायर काफी ओपी है ठीक है। तो ये गन स्किन ज्यादा अच्छी है ठीक है। उसके बाद ये दूसरी गन स्किन भी काफी ओपी दिखते, इसकी डबल डैमेज प्लस किया गया और सिंगल रेंज प्लस की गया ठीक है। तो गाइस अगर आपके पास ये दोनों गन स्किन पड़े तो गाइस फिर भी UMP लेने का कोई मतलब नहीं बनता ठीक है दोस्तों, तो ये बात है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस अब बात आती है कि अगर हमारे पास तीनों ही अच्छी गन स्किन पड़ी है तो फिर हम इन तीनों में से कौन सी गन स्किन क्लेम करें। तो गाइस आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों अगर आपके पास तीनों ही अच्छी वाली गन स्किन पड़ी जैसे कि मेरे पास पड़ी है तो गाइस आपको क्या करना है, फिर आपको जो है ये UMP गन स्किन को क्लेम कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये जो UMP गन स्किन है ये दिखने में भी अच्छी है, लुक वाइज भी अच्छी, पकड़ने में भी अच्छी लग रही है ठीक है। और साथ में इसके जो एट्रीब्यूट है वो भी बाकी गन स्किन से ज्यादा अच्छे है ठीक है। तो एक हिसाब से दोस्तों ये कह सकते हैं कि जो गन स्किन है हम इसलिए क्लेम करें हम अपनी कलेक्शन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर ओपी वाली जो गन स्किन है वो पहली फ्री फायर ने जो है फ्री में दी हुई है ठीक है। तो आपको यही करना है, अगर आपके पास सारी अच्छी गन स्किन पड़ी है तो आपको UMP लेने ना, नहीं तो दोस्तों अगर आपके पास UMP की अच्छी गन स्किन पड़ी है, M41 की कोई अच्छी गन स्किन नहीं पड़ी तो आपको M41 की गन स्किन ले लेने ठीक है। तो ये भी दिखने में अच्छी है ठीक है। तो बाकी दोस्तों आपके पास UMP और ये जो M41 है इनकी अच्छी गन स्किन पड़ी है, M60 की कोई लेजेंडरी और अच्छी गन स्किन नहीं पड़ी तो दोस्तों आपको इसे M60 को ही क्लेम कर लेना, नहीं तो दोस्तों आपके पास सारी अच्छी गन स्किन पड़ी है तो आग बंद करके दोस्तों को क्या करना है UMP गन स्किन को जो है क्लेम कर लेना। तो मैं भी इसे ही क्लेम करूंगा जब इवेंट ओपन हो जाएगा ठीक है, तो 23 मई को। तू समझा? हाँ। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, पता चल गया होगा कि आपको जो है कौन सी गन स्किन जो है क्लेम करनी चाहिए। एक बार दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अब आप जो है आप कौन सी गन स्किन इन तीनों में से जो है क्लेम करने वाले, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पहली फुर्सत में निकल, मैं नहीं बताऊंगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।